शिवम शिवम। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कुंभ राशि के जातकों को और मीन राशि के जातकों को क्या करना चाहिए दीपावली के दिन। दीपावली 4 नवंबर है साल 2021, जिससे कि पूरा साल जो है अच्छा जाए, सुख समृद्धि बनी रहे, हमारे घर में सारी खुशियाँ बरकरार रहे। बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि omja.com हमारा साइट है, जहाँ से आप सारे स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। shivago.com भी है, और omja.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है जहाँ पे हम और आप सब साथ में मिलके काम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक धन प्राप्ति के लिए दीपावली की रात नारियल के कठोर आवरण में घी डालकर लक्ष्मी जी के समक्ष आप दीपक जलाइए, और ये दीपक रात भर आप जलने दीजिए। दीपावली की रात आप स्फटिक या कमल गट्टे की माला पे आप एक मंत्र जाप कीजिए, ओम ह्रीम ऐम क्लीम श्रीम, ओम ह्रीम ऐम क्लीम श्रीम। ये मंत्र जो है ये आपको मतलब हमेशा सुख समृद्धि बनाए रखेगा। आप दुर्गा जी को नारियल चढ़ाइए, पक्षियों को दाना चुगाएं, और घर के नेतृत्व कोण में सरसों के तेल का दीपक जलाइए। सुगंधित जल से आप रुद्राभिषेक कीजिए। कभी कभी क्या होता है, फैमिली में नहीं बनती है, पति का पत्नी से नहीं बनता, पत्नी का पति से नहीं बनता है, जीवन साथी के साथ नहीं बन रहा है, तो दीपावली के दिन खीर बनाइए और इसका भोग लक्ष्मी जी को लगाइए और फिर स्वयं भी खाइए। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। कुंभ राशि के जो जातक हैं एक काम और कर सकते हैं, और वो है रुद्राक्ष पहनना। कुंभ राशि के जातक 7 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि के जातक शनि मंदिर में आप दीपक जलाइए, तेल तथा काली उड़द दान कीजिए, तेल लगी रोटी आप कुत्ते को खिलाइए स्वान, और पश्चिम दिशा में घी का दीपक लगाइए। यदि आपका कोई शत्रु है और वो आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो दीपावली की रात कपूर के काजल से शत्रु का नाम लिखकर अपने पैर से मिटा दें, शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे। इस राशि के जातक छोटी दीपावली के दिन हनुमान जी को लाल चूड़ा चढ़ाएं, तो ऐसा करने से जल्दी ही धन की प्राप्ति हो जाएगी। धन लाभ के लिए दीपावली पर किसी लक्ष्मी मंदिर में जाकर कमल के फूल नारियल अर्पित करें तथा सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं, इससे आपकी धन की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। मीन राशि के जातक देखिए आपके जो स्वामी हों बृहस्पति हैं, तो आपके लिए पंचमुखी रुद्राक्ष भी उस दिन धारण करना बड़ा ही शुभ रहेगा। और दीपावली की रात आप एक मंत्र जाप कर सकते हैं अष्टटिक या कमलगट्टे की माला पे, और मंत्र होगा आपका ओम ह्रीम क्लीम सौं, ओम ह्रीम क्लीम सौं, ये आपका मंत्र होगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।